अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमार कैटी फ्रॉम कॉलेज फॉर आर्ट एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम तकरीबन नंबर 9 का लेसन नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और हमने लेसन नंबर 1 में हमने ये जो कुछ रूल्स हैं ये हमने स्टडी किए थे, और उसके बाद फिर जो फर्स्ट लाइन है वो मैंने आपको रिलोड करके दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी और आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम चल देंगे इसके लेसन नंबर 2 के पास, और लेसन नंबर जो 2 है हमारा वो है इसकी लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। ये हम दो लाइन जो है वो इसको रिलोड करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपने गौर करते वक्त स्टॉप करना हो, रुकना हो, तो फिर आपने अल्फाज को किस तरह अदा करना है, और अगर स्टॉप नहीं करना तो फिर आपने किस तरह अल्फाज को अदा करना है। तीनों तरीका कार मैं आपको बताऊंगा, बाकी नुनगुना और ऊपर के जो कायदे हैं वो तो आपको याद होंगे। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो लेसन में स्टडी करते करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कर लें जो कि कुरान नाजरा पढ़ना चाहते हैं। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتلك حاتلته به جيم زبر ألف مدر جاء حملة زبر जा जीम खरीदे अली कुमार जा दबा जी जीम पेशवा जू आई दो जूदबर वापू याल खड़ी लपल का शीन जबर अली कुमार शाह शाह। जी बच्चों, मैंने ये दो लाइन जो है वो रिनोट की है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर ठहरना हो तो इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है, बाकी जो इसकी जोर कितना करनी। जैसे ये देखिए, ये है बातें भी हा खरीदे ही, ये बनता है भी ही। अगर तो आपने कुरान में ये मुलफ़ आ जाए और आपने इस पर ठहरना हो तो आप इसको किस तरह पढ़ना है, या आप इसको पढ़ेंगे भी, भी। ठीक है, क्योंकि ये जो हा है इसके ऊपर जज़्म बन जाएगी, तो ये बा जब ठहरेंगे तो बा के साथ हा की आवाज आनी चाहिए, जिसको आप पढ़ेंगे बी बी। और अगर आपने मिला के पढ़ना है तो फिर तो आप पूरा ही बनेंगे बी। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि आपने ऊपर की नोट में आपने पढ़ा था और यहाँ पे तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने जो जोड़ किया है मैंने किया है जीम जबर अलीफ मद जा। आप इस तरह भी जोड़ कर सकते हैं जीम अलीफ मद जबर जा। ठीक है, क्लॉकवाइज पे आप जो ना वो क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। तो अगर इस पे चैन ना हो तो फिर ये बन जाएगा फलिक जा। अगर नहीं ठहरना तो फिर ये हमजा को भी साथ पढ़ेंगे। अगर ठहरना फिर हमजा को साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जगह आ जाएगी और हमजा पढ़ने में नहीं आएगी। और अगर आपने ठहरना नहीं है तो फिर आप इसको इसलिए पढ़ेंगे जा। अब यहाँ पे मैंने जो जोर किया है मैंने किया है जीम खरीद दे अली मद या जी, ये किया। तो आप ये भी कर सकते हैं जीम मद जीम अली मद खरीद दे जी, क्लॉकवाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों अल्फाज पे जब जैसे मर्जी जोर करें, तो जो तरीका कार है वो बिल्कुल ठीक है। इसको पढ़ेंगे जीम
का अगर आप यहाँ ठहरना हो तो खाली पड़ेंगे जी। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये है जुएन, जुएन अगर आप यहाँ पे ठहरना हो कुरान में लफ्ज आ जाए, और अगर आपको यहाँ पे रुकना पड़े तो आप इसको करेंगे जूर, जूर। ठीक है यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे जज़्म आ जाएगी और आप बस क्या करेंगे आयन की आवाज निकालेंगे, यानी कि आयन को बस फील करेंगे पढ़ेंगे नहीं, तो इसको आप लेंगे जूर, बस ये ठहरना हो जाएगी। अच्छा आप यहाँ पे देखें ये वर्ड है खौफिन, तो जब इस यहाँ पे ठहरना हो तो क्या करना है जज़्म आ जाएगी, तो इसको हम पढ़ेंगे खौफ, खौफ। अब यहाँ पे देखें ये लफ्ज है खैरुन, अगर आपने ठहरना हो तो यहाँ पे जज़्म बन जाएगी और इसको हम पढ़ेंगे खैर, खैर। ठीक है अच्छा अब यहाँ पे ये वो लफ्ज है दाऊद, दाऊद ये वो लफ्ज है, अगर आपने यहाँ पे ठहरना हो तो आप इसको पढ़ेंगे दाऊद, दाऊद। अब यहाँ पे देखिए ये लफ्ज है ज़ालिक, ज़ालिक, अगर आपने यहाँ पे ठहरना हो तो यहाँ पे जज़्म बन जाएगी और इसको हम पढ़ेंगे ज़ालिक, ज़ालिक। ठीक है और ये क्या है, ये है वकू, वकू। और बच्चों अगर आपने यहाँ पे ठहरना हो तो ये लफ्ज रबू भी पढ़ा जाएगा, ठहरना हो फिर भी रबू है, अगर ना ठहरना हो फिर भी रबू है, क्योंकि यहाँ पे इसके पे जज़्म बन जाएगी तो जज़्म तो पहले से ही मौजूद है यहाँ पे, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अच्छा अब यहाँ पे देखिये शा, अगर आपने यहाँ पे ठहरना तो उसको पढ़ेंगे और इसका जोड़ किसका किया मैंने शीन सफर अलिफ मद शाह, इसका मैंने जोड़ किया, लेकिन आप इसका भी कर सकते हैं शीन अलिफ मद सफर शाह, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, दोनों तरीकों से ये ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों आज का लेसन नंबर 2, जिसमें हमने लाइन नंबर 2 और 3 को हम नोट किया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, तो इस सबक की आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हम कल जो है वो नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।